लेके आई हूँ जो आप लेडीज कार्डिगन में, लेडीज स्वेटर में, लेडीज जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 31 फंदे ले रखे हैं, 31 फंदे ले रखे हैं, जिसमें से मैंने 2 फंदे जो हैं एज स्टिच के लिए और 29 फंदे जो हैं, 29 फंदे जो हैं वो डिजाइन के लिए ले रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं डिजाइन पैटर्न। पहले फंदे को हमने एज स्टिच उतार लेना है, फंदा आगे करना है, ये हमारी फर्स्ट रो है। अब 3 फंदों को हमें उल्टा बनाना है, 1 2 3, 3 फंदों को हमने उल्टा बनाना है, फंदा पीछे करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदों को हमने सीधा बनाना है। अब हमें एक और सिलाई लेके 4 फंदों को इस सिलाई पे ऐसे करके उतार लेना है, 1 3 हो गए, 4 हो गए। अब देखिए अब हमें 5 फंदों को जो है इस 4 फंदों को छोड़ देना है। अब उसके बाद से इन 5 फंदों को 1 2 3 4 5, 5 फंदों को हमने सीधा बना लेना। अब ये जो 4 फंदे हमने इस सिलाई पे उतारा है, इसे फिर से हम लेफ्ट नीडल में ले लेंगे, 1 2 3 4, चारों फंदों को हम लेफ्ट नीडल में ले लेंगे और फिर से इन चारों फंदों को हम सीधा बना लेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदों को सीधा बना लेंगे। फिर से हम 7 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदों को हम सीधा बनाएंगे, फंदा आगे करेंगे और 3 फंदों को 1 2 3, 3 फंदों को हमने उल्टा बना लेना है। ये फर्स्ट रो थी जो कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड रो ध्यान से देखिएगा, सेकंड रो हमें एक फंदा एज स्टिच उतार लिया और जिन 3 फंदों को मैंने राइट साइड से उल्टा बनाया था उसे हम रॉन्ग साइड से सीधा बनाएंगे। 3 फंदों को हमने सीधा बना लेना है, बाकी के हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। 23 फंदों को हमने उल्टा बना लेना है, फंदा पीछे करेंगे और 3 फंदों को हमें सीधा बना लेना है। सीधा बनाने के बाद फंदा आगे करेंगे, एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थर्ड रो में आ गए हैं। थर्ड रो में हमें क्या करना है, एक फंदे को हमने एज स्टिच उतार लेना है, फंदा आगे करेंगे और 3 फंदों को देखिए इस तरह से 3 फंदों को हमें उल्टा बना लेना है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आप फंदे को पीछे करेंगे और 2 फंदे को 1 2 2 फंदे को हमें सीधा बना लेना है, फंदा आगे करेंगे और इस तरह से रोल करेंगे। 4 फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे को उल्टा बनाने के बाद फंदा पीछे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 2 फंदों को आगे की तरफ से इस तरह से हमें एक साथ बुन लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक जाली डाल के एक फंदा बढ़ा लिया है तो इससे कम करना है। फिर से हमें 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदों को सीधा बनाने के बाद 2 फंदे जो हैं हमें बैक लूप से, देखिए इस तरह से बैक लूप से हमें एक साथ बुन लेना है, फंदा आगे करेंगे और 1 2
चार फंदों को उल्टा बनाएंगे, फंदा पीछे करेंगे और फिर से ऐसे रोल करेंगे पीछे की तरफ, और दो फंदों को फिर से हम सीधा बना लेंगे, फंदा आगे करेंगे और एक दो तीन, तीन फंदों को उल्टा बनाएंगे, फंदा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा एज स्टिच। रॉन्ग साइड की बुनाई देखिए फ्रेंड्स, एक फंदे को हमने एज स्टिच उतार लिया, तीन फंदे को हमने सीधा बना लिया। देखिए फ्रेंड्स इसे क्या करना है, अब देखिए दो फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुने थे तो यहाँ पे हम उल्टा बना लेंगे, और जो जाली वाला फंदा है उसे भी हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारी फोर्थ रो है देखिए इस तरह से। बाकी जो चार फंदों को हमने राइट साइड से उल्टा बनाया था उसे हम रॉन्ग साइड से सीधा बना लेंगे। जो फंदे जैसे बन रहे हैं वैसे बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सात फंदे जो है हमारे उल्टे बनेंगे इस तरह से, ऐसे करके सात फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे चार फंदे हमने राइट साइड में उल्टा बनाया था उसे हम रॉन्ग साइड में ऐसे करके सीधा बना लेंगे। ये हमारी फोर्थ रो है जो अभी कंप्लीट होने वाली है। देखिए यहाँ जाली वाला फंदा है इसे भी हमें उल्टा बनाना है, दो तीन फंदा पीछे करेंगे और तीन फंदे हमारे सीधे बनेंगे इस तरह से, फंदा आगे एज स्टिच को उल्टा बनाना चाहे तो उल्टा बनाना या सीधा बनाना चाहते हैं तो सीधा बनाने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिफ्थ रो राइट साइड में हम आ गए हैं। अभी क्या करना है, एक फंदा हमने उतार लिया, तीन फंदे जो हैं हमारे हमेशा ये उल्टे बने हुए हैं तो ये उल्टे बनते जाएंगे, फंदा पीछे करेंगे। पहले हमने दो फंदों को सीधा बनाया था, अभी हम तीन फंदों को सीधा बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदों को सीधा बना के फिर से इस तरह से रोल करेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदों को उल्टा बनाएंगे, फंदा पीछे करेंगे, फिर से इन दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे सीधे की साइड, फिर से एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदों को सीधा बनाने के बाद इन दोनों फंदों को बैक लूप से इस तरह से बैक लूप से हमें एक फंदा बना लेना है, फंदा आगे करेंगे और एक दो तीन चार, चार फंदों को सीधा बनाएंगे, फंदा पीछे करेंगे और देखिए इस तरह से रोल करेंगे, फिर तीन फंदों को सीधा बना लेंगे। देखिए इस तरह से फंदा आगे करेंगे और तीन फंदे जो हमारे साइडों के हैं वो हमेशा उल्टे बनते जाएंगे। देखिए सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड। अब देखिए तीन फंदे हमारे सीधे बनेंगे, फंदा आगे करेंगे। अभी यहाँ पे पहले हमने तीन फंदों को उल्टा बनाया था, अभी हमें ये जाली वाला फंदा जो है इसे भी बना के, तो ये चार फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, फंदा पीछे करेंगे और यहाँ पे चार फंदे जो है वो सीधे बनाए जाएंगे इस तरह से। सीधे बना लिया हमने, फिर से एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, सात फंदे हमें उल्टे बनाने, फंदा पीछे करेंगे और यहाँ पे चार फंदे हमारे सीधे बनेंगे, फंदा आगे और यहाँ पे चार फंदे उल्टे और जो साइड के तीन फंदे हैं वो हमेशा रॉन्ग साइड से सीधे बनेंगे। ये सिक्स्थ रो भी हमारी कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट। अब हम सेवेंथ रो में आएंगे। सेवेंथ रो में हमें क्या करना है ध्यान से देखिएगा, एक फंदा हमने एज स्टिच उतार लिया, फंदा आगे करेंगे और तीन फंदे जो हैं हमें उल्टे बनाएंगे जो कि हमेशा बन रहे हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पहले दो फंदे थे, अभी तीन फंदे हुए, फिर चार फंदे हुए, तो अभी हमें चार फंदों को सीधा बना लेना है, एक दो तीन चार। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक फंदा ऐसे आगे करेंगे और इस तरह से रोल करेंगे, आगे की तरफ रोल करेंगे और चार फंदों को उल्टा बना लेंगे, दो तीन
चार फंदा पीछे करेंगे और इन दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। फिर से एक दो और ये तीन, तीन फंदों को सीधा बनाएंगे। फिर से इन दो फंदों को देखिए इस तरह से बैक लूप से हमें एक फंदा बना लेना है। फंदा आगे करेंगे और यहाँ पे एक दो तीन चार, चार फंदों को उल्टा बनाएंगे। फिर से देखिए फ्रेंड्स फंदे को पीछे के, पहले हमने ऐसे आगे की तरफ फंदा करके हमने ऐसे रोल किया था जो जाली डाली थी, बट अब यही हमें क्या करना है, फंदे को पीछे करना और पीछे की तरफ से ऐसे रोल करके हमें यहाँ पे एक दो तीन चार, चार फंदों को हमें ऐसे सीधा बना लेना। फंदा आगे करेंगे और यहाँ पे तीन फंदे जो हैं जो हमेशा से आपके उल्टे बने हैं उसे उल्टा ही बना लेना, एक फंदे को सीधा। अब फिर से हम एट रो पे आ गए हैं। एट रो में हमें क्या, जैसे हमें हमेशा बुनाई किया है वैसे ही बुनेंगे, जो फंदे जैसे हैं वैसे बनाए जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे पांच फंदे जो है, ये जाली वाला फंदा लेके हमारा देखिए इस तरह से फंदा पीछे करेंगे और चार फंदे जो है सीधे बनाए जाएंगे। यहाँ पे ऐसे फंदा आगे करेंगे और एक दो तीन चार, देखिए एट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नाइन्थ रो राइट साइड में आ गए हैं। एक फंदे को हमने एज स्टिच उतार लिया, एक दो तीन, तीन फंदों को हमने उल्टा बना लिया, एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदों को सीधा बनाने के बाद फंदा आगे करेंगे और इस तरह से रोल करके चार फंदों को उल्टा बना लेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे को उल्टा बनाने के फंदे पीछे करेंगे। फिर से दो फंदों को राइट साइड से देखिए इस तरह से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और एक फंदे को सीधा बना लेंगे। फिर से इन दो फंदों को बैक लूप से एक साथ बुन लेंगे। फंदा आगे करेंगे और चार फंदे को एक दो तीन चार, चार फंदों को उल्टा बनाएंगे, फंदा पीछे करेंगे। अब देखिए इस तरह से ऐसे करके रोल करेंगे। फिर से एक दो तीन चार पांच, पांच फंदों को सीधा बनाएंगे, फंदा आगे करेंगे, एक दो तीन, तीन फंदों को उल्टा, फंदा पीछे, एज स्टिच को सीधा। टेंथ रो रॉन्ग साइड, ये फंदे को ऐसे उतार लिया। फिर से तीन फंदों को देखिए इस तरह से सीधा बनाएंगे जो हमेशा बन रहा है। फिर से यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच और ये जाली वाला फंदा जो है उसे छः, छः फंदे उल्टे और यहाँ पे चार फंदे जो है वो सीधे बनाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे तीन फंदे उल्टे, फिर से बीच में एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, फंदा पीछे करेंगे और देखिए इस तरह से चार फंदों को सीधा बनाएंगे, फंदा आगे करेंगे। फिर से छह फंदे जो हैं वो हमारे उल्टे बनाए जाएंगे इस तरह से। ये टेंथ रो है, फंदा पीछे और तीन फंदे जो हैं वो सीधे बनेंगे, फंदा आगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये टेंथ रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी इलेवेंथ रो है, एक फंदा एज स्टिच उतार लिया है राइट साइड इलेवेंथ रो, एक दो तीन, जो हमेशा तीन फंदे उल्टे बन रहे हैं वो उल्टे बनेंगे। यहाँ पे छह फंदे जो हैं वो सीधे बनाए जाएंगे, दो तीन चार पाँच छः। फिर से हमें यहाँ पे एक फंदा आगे करके ऐसे इस तरह से रोल करना है। फिर से चार फंदों को एक दो तीन चार, चार फंदों को उल्टा बना लेंगे, फंदा पीछे करेंगे। आप देखिए यहाँ पे तीन फंदे हैं तो इन तीनों फंदों को एक साथ से ऐसे बैक लूप करके हमें एक साथ बुन लेना है ऐसे करके। फंदा आगे करेंगे और चार फंदों को एक दो तीन, देखिए इस तरह से
चार फंदों को हमें उल्टा बना लेना है। फंदा पीछे करेंगे, फिर से पीछे की तरफ से ऐसे देखें। इस तरह से हमें एक जाली डालनी है रोल करके। फिर से हमें यहाँ पे छह फंदों को सीधा बना लेना है। इस तरह से सीधा बना के देखिए, इस तरह से सीधा बना लेंगे। फंदा आगे करेंगे और यहाँ पे तीन फंदों को उल्टा बनाएंगे, उल्टा बना लेंगे, फंदा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा। अब 11th रो कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो रॉन्ग साइड, देखिए ये 12th रो का डिजाइन है और 12th रो में कंप्लीट होता है बनके। अब देखिए एक दो, फिर से हमें 23 फंदे जो है वो उल्टे बनाने हैं। हमें अब यहाँ पे कोई उल्टा सीधा नहीं बनाना, बट जो तीन फंदे हमारे सीधे बन रहे थे रॉन्ग साइड में, जो साइडों के तीन तीन फंदे थे ना, उन्हें हमें सीधा ही बनाना है, उन्हें सीधा ही बनाना है। और बाकी के जो 23 फंदे हैं, 23 फंदे जो बाकी के हैं, उन्हें हमें उल्टा बना लेना है, क्योंकि अभी 13 जो रो हमारी स्टार्ट होगी वहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिए फिर से फर्स्ट रो जो हमने स्टार्ट किया था ना, बिल्कुल वैसे ही हमें फिर से स्टार्ट करना है। देखिए जैसे एक फंदा हमने एज स्टिच उतार लिया था, तीन फंदे हमने उल्टे बनाए थे, देखिए इस तरह से तीन फंदे उल्टे, फंदा पीछे करके सात फंदों को हमने सीधा बनाया था। फर्स्ट रो हमने ऐसे ही बनाया था, तो फिर से यहाँ से जब 12th रो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर से हमें वहाँ से फर्स्ट रो से स्टार्टिंग करनी है। 3, 4, 5, 6, 7 सात फंदे हमें सीधे बना लेने हैं, बाकी चार फंदों को किसी दूसरी सिलाई में 1, 2, 3, 4 चार फंदों को दूसरी सिलाई में ऐसे ले लेंगे और फिर से पांच फंदों को दूसरी सिलाई में लेने के बाद उस चार फंदों को नहीं बनाना, उसे साइड में रख लेना है। फिर से पांच फंदों को देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 पांच फंदों को हमें ऐसे सीधा बना लेना। फिर से इस जो चार फंदों को हमने उतारा उसे लेफ्ट नीडल में फिर से हमें ले लेना है। इस तरह से ऐसे लेफ्ट नीडल में लेने के बाद हमें इन चार फंदों को सीधा बना लेना है। ऐसे देखिए इस तरह से सीधा बना लेंगे, सीधा बना लेंगे। फिर से हमें सात फंदों को सीधा बनाना है, इन फंदों को छोड़ के सात फंदों को ऐसे करके सीधा बना लेना है। ऐसे करके सीधा बना लेंगे और सीधा बनाने के बाद फ्रेंड्स ये तीन फंदे फंदा आगे करेंगे और तीन फंदों को देखिए इस तरह से उल्टा बना लेंगे। फिर से फंदा पीछे करेंगे और एज स्टिच उतार लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी डिजाइन पैटर्न बनके तैयार होगी और बहुत ही लुक वाइज बहुत ही प्यारा डिजाइन है। आप खुद देख सकते हैं कि कितना प्यारा डिजाइन है और बनने के बाद तो बहुत, इसे आप डार्क कलर में भी बना सकते हैं, लाइट कलर में भी बना सकते हैं, जेंट्स के स्वेटर में बना सकते हैं, लेडीज के कार्डिगन स्वेटर, बहुत ही प्यारा डिजाइन है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी स्वेटर में डालेंगे तो काफ़ी सुंदर लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।